नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, वैसे ही हमें हर बूथ पर पहले से कई गुना ज्यादा मतों से विजयी होना है। अनिल विज लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में भाजपा के चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अम्बाला छावनी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो गांव की ओर कार्यक्रम का मकसद हमें अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवा बनता गया। पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना आवश्यक है और आप कहीं भी किसी भी कार्यस्थल पर लोगों को पार्टी से जोड़ सकते हैं। पार्टी की नीतियों से हमें लोगों को अवगत कराने के लिए अपना बूथ छोड़ दूसरे बूथ में जाकर लोगों से मिलना है और उन्हें बताना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार माताएं बहनें इधर से ऊन निकालकर उधर लगाते हुए स्वेटर बुनती हैं, उसी प्रकार हमें अपना बूथ छोड़ अलग अलग बूथों पर जाकर लोगों को एक सूत्र में जोड़ना है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। वातावरण अनुकूल है, कार्यकर्ताओं में जोश है, लोगों में उमंग है और तीन प्रदेशों के चुनाव जीतने के बाद 500 वर्षों से जो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष हो रहे थे, वो मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पार्टी द्वारा बताए गए कार्यक्रमों पर हम पूरी तरह अमल करें। हमारे नेताओं ने संगठन चलाने में पीएचडी कर रखी है, कोई उनके बराबर संगठन नहीं चला सकता। अभी जो तीन प्रदेशों के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो आवाज आ रही थी, परंतु छत्तीसगढ़ के बारे में हिंदुस्तान की जितनी भी सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं उन सब ने कहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस हारी, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं ने जो संगठन के भीतर काम किया हुआ था उसकी बदौलत हम छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव जीते, क्योंकि संगठन ने वहां पर जो हमारी कार्य करने की योजना है उसके मुताबिक सारे प्रदेश में काम किया हुआ था और आप भी करते हैं। अभी हमें आदेश मिला था कि विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अम्बाला छावनी में भी जितने गांव थे, चाहे वो शहर के अंदर के गांव चाहे शहर के बाहर के गांव, उन सारे गांव में लगभग मैं गया हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार से कार्यकर्ता लोगों को पकड़ पकड़ कर उस कैंप में जो उनको लाभ मिल सकते हैं लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे थे।
हर जगह पर, शहर में भी हमने कुछ लगाए हैं, जैसे बीसी बाजार, लाल कुर्ती में और रामबाग रोड में, रामकिशन कॉलोनी के पास मंदिर में लगाए हैं, वहां भी बहुत वो सार्थक हुआ है। मैं तो उस सोच को सल्यूट करना चाहता हूं जिसने ये विकसित भारत योजना चलाई या बनाई। कि योजनाएं बनती और बिगड़ती रहती है, लोगों को उनका पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी योजना का किस किस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, मालूम नहीं होता। और खास तौर पे मैंने देखा है कि जो उसका हकदार होता है उसको ही मालूम नहीं होता कि मुझको ये लाभ मिल सकता है। मेरे पास रोजाना लोग आते हैं और वो बताते हैं, जब हम उनको बताते हैं हाँ भाई आपका ये काम सरकार की नीति के तहत है, आप जाके करवा लो, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ये जो योजना बनाई गई, एक तो संकल्प कि 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमने मिलजुल के इस हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली, पहली बार। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। अगर आजाद होते ही हमारे जो पहले दूसरे प्रधानमंत्री तीसरे बने थे वो ऐसा सोच लेते तो आज तक हम भी विकसित राष्ट्र बन चुके होते। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया, लेकिन हमारा देश में किसी ने सोचा ही नहीं। सोचने की बजाय कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक वाक्य बताया कि उन्होंने लाल किले से बोलते हुए ये कहा था कि हमारे लोग तो निकम्मे हैं, सुस्त हैं। आप अमेरिका को देखो, रूस को देखो, जापान को देखो, चाइना को देखो, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री ने कहा। अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री होता तो वो कहता चलो उठो उठे, हम देश को बनाए, आपने आजादी मिल गई, अब हम इसको मजबूत बनाए, इसको विकसित बनाए। 70-75 साल हो गए हमको केवल मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते कराते ही, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल सकी। और 70 साल तो काम रुका ही रहा, नारों पर राज चलता था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब घर जाके भूखा सोया लेकिन खुश हो गया, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, इंदिरा गांधी ने कह दिया। उसके नाम पर ही 2-3 बार सरकारें बना के चले गए पर गरीबी हटी क्या? हटी क्या गरीबी? क्योंकि उनकी ऐसी मंशा ही नहीं थी, ऐसी मंशा उनकी नहीं थी। ऐसी मंशा वाला पहला प्रधानमंत्री आया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।